हुमायूं के मकबरे में जाने के लिए ये दूसरा गेट है। पहला गेट वो था जिससे हमने एंट्री की थी। पहला गेट पार करते ही लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बू हलीमा की कब्र बनी हुई है। बू हलीमा के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि हुमायूं के जो फादर थे बाबर, ये भी उनके हरम में एक रानी थी। चलिए देखते हैं बू हलीमा का मकबरा। आमतौर पर मकबरे जो ये उद्यान है, ये पार्क है, इसके बीच में होते हैं, बट ये मकबरा एक साइड में बना हुआ है। बू हलीमा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमारे इतिहास में नहीं मिलती है, बट ऐसा माना जाता है कि वो बाबर की पत्नी थी, हुमायूं की माँ थी। ये मकबरा तो वर्गाकार आकार में बना हुआ है। हमारे बच्चे मकबरे में खेल रहे हैं। अब बच्चों को तो सभी जगह खेल का मैदान ही लगती है, चाहे वो पार्क हो या मकबरा। चाहे उनको जितना भी मना करो, पर उनको अपनी मस्ती तो करनी ही होती है। दूसरे दरवाजे से अंदर आते ही दाईं ओर एक दरवाजा है, जिसको बू हलीमा गेटवे कहा जाता है। इसको अरब की सराय गेट भी कहा जाता है। ये उसी टाइम का ही गेट है, बहुत मजबूत गेट है, बहुत मजबूत लकड़ी है और लोहा देखिए, बहुत मजबूत लोहा लगा हुआ है, अभी भी जर नहीं लगी है। गेट से अंदर आते ही एक बरामदा है। अंदर आने पर पता चला कि बरामदे की छत गिरी हुई है। अब इतना समय हो गया इसको बने हुए, तो जो चीज बनी है एक ना एक दिन उसको ध्वस्त तो होना ही है। गेट के बरामदे से अंदर आते ही दोनों तरफ जेल की काल कोठरी जैसे कमरे बने हुए हैं। शायद ये मजदूरों को सजा देने के लिए बनाए गए हों, कि जो मजदूर कहना ना माने, जो ठीक से काम ना करे, उनको इन कमरों में बंद कर दो, उनका हुक्का पानी भी बंद कर दो। 4 दिन यहाँ बगैर खाने पीने के रहेंगे तो उनकी अकल ठिकाने लग जाएगी और बाद में ठीक काम करने लग जाएंगे। ये सब मजाक की बातें हैं, असल में इसका इतिहास हमें भी पता नहीं है। क्योंकि मकबरे को बनाने के लिए जो कारीगर थे, जो लेबर थी, वो अरब से मंगवाई गई थी और उस लेबर के रहने के लिए ये प्लेस था, ये स्थान था, यहाँ पे वो लेबर रहती थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ शांति है, पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही हैं। हुमायूं के मकबरे के इस तरफ कम ही लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग हुमायूं का मकबरा देख कर ही चले जाते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बड़े छोटे का भेदभाव हर तरफ है, पहले भी था, आज भी है। हुमायूं के मकबरे में बहुत साफ सफाई है, पार्क भी साफ सुथरे हैं और सलीके से सजे हुए हैं, जो इस मकबरे में नहीं दिखता, क्योंकि ये स्थान कारीगरों के लिए था, मजदूरों के लिए था। ये अफसर वाला टॉम्ब है, अफसर वाला मकबरा है। लाल बलुए पत्थर से बना हुआ ये टॉम्ब बहुत ही बढ़िया कारीगरी का नमूना है। 1566 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अफसर वाला टॉम्ब, अफसर वाला मकबरा है, जो हुमायूं के मकबरे परिसर में ही बना हुआ है। और इसके साथ में ही जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये अफसर वाला मस्जिद है। अफसर वाला टॉम्ब और मस्जिद दोनों एक ही चबूतरे पे बने हुए हैं। मस्जिद तो शायद मजदूरों की नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी, परंतु ये मकबरा किसकी याद में बनाया गया है, इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं। शायद जैसे आजकल जब किसी इमारत का निर्माण होता है,
तो वहाँ मजदूरों को संभालने के लिए सुपरवाइजर या फोरमैन होते हैं। वैसे ही उस समय में भी कोई अधिकारी या अफसर होते होंगे, उन्हीं की याद में ये मकबरा बना होगा। इस्लाम में जहाँ मकबरा और मस्जिद एक ही चबूतरे पर पास पास हों, उस जगह को अफसरवाला बोलते हैं। इसलिए इन इमारतों का नाम अफसरवाला मकबरा और अफसरवाला मस्जिद है। मकबरे में प्रवेश करने पर सामने तीन कब्रें बनी हुई हैं। दो कब्रें सफेद संगमरमर की और एक कब्र लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। शायद ये कब्रें उन अधिकारियों या अफसरों की होंगी जो मजदूरों को संभालते होंगे। ये अफसर वाला मस्जिद है। जितनी लेबर अरब की कंट्री से आई थी, अरब देशों से आई थी हुमायूं के मकबरे को बनाने के लिए, वो यहाँ इसी मस्जिद में ही अपनी प्रेयर करती थी, अपना नमाज अदा करती थी। ईसा खान की मस्जिद की तरह ये मस्जिद भी तीन भागों में बटी हुई है, तीन भागों में विभाजित है। अफसरवाला मस्जिद के पास में ही ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो प्रेयर करवाने वाले, नमाज पढ़ाने वाले मौलवी थे, इमाम थे, वो शायद यहाँ पे रहते होंगे। बाहर से देखने पर ये तीन कमरे लगते हैं, बट अंदर आते ही ये एक हॉल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल द ट्रैवलर फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे से भी ऐसी बढ़िया बढ़िया और चुनिंदा वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।